सरयू राय ने एक बार फिर बीजेपी खेमे में बवाल मचा दिया है। एक बार फिर जमशेदपुर पूर्वी सीट में रघुवर दास वर्सेस सरयू राय होता दिख रहा है और कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि जमशेदपुर पूर्वी सीट पर चुनाव लड़ने के लिए रघुवर दास राज्यपाल पद से इस्तीफा देने को भी तैयार है और इसकी पेशकश उन्होंने आलाकमान से भी कर दी है। सरयू राय ने बीजेपी में मचा दिया बवाल। सरयू राय के कारण बीजेपी की राजनीति शिफ्ट हुई दिल्ली। सरयू राय आगे बढ़े, रघुवर दास जीत पर अड़े। बिहार के सीएम नीतीश कुमार दिल्ली में हैं। संयोग देखिए कि जेडीयू के नेता सरयू राय भी दिल्ली में हैं। यही नहीं, पिछले विधानसभा चुनाव में सरयू राय से पराजित हुए रघुवर दास भी दिल्ली में हैं। तीनों का एक साथ दिल्ली में होना महज संयोग है या किसी बड़े राजनीतिक खेल की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है, ये फिलहाल कहना मुश्किल है। बहरहाल झारखंड में बीजेपी के राजनीतिक फैसलों में रघुवर दास की दिलचस्पी बनी हुई है। रघुवर दास का झारखंड की राजनीति में कितनी पैठ है, इसका अंदाजा असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा और रघुवर दास के बीच हुई मुलाकात से लगाया जा सकता है। इन सबके बीच चर्चा तो ये भी है कि रघुवर अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए जमशेदपुर की अपनी पारंपरिक सीट चाहते हैं। लेकिन कहा तो ये भी जा रहा है कि बीजेपी ने वह सीट नहीं दी तो रघुवर के परिवार का कोई सदस्य सरयू राय के खिलाफ निर्दलीय भी उतर सकता है। जमशेदपुर पूर्वी से विधायक सरयू राय अब एनडीए के पार्टनर जेडीयू के साथ है, लिहाजे से ये सीट अब जेडीयू की सिटिंग सीट हो गई है और इस सीट पर सरयू राय की दावेदारी बनती है। बहरहाल रघुवर दास की ये जिद बीजेपी को कितना मजबूर कर पाती है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये तो जरूर तय है कि रघुवर दास और सरयू राय की वर्षों पुरानी अदावत आज भी जारी है।